क्लास 4 EVS. टुडे वी विल सी लेसन नंबर 12 टंग एंड टीथ. सो लेट्स सी टंग. द टंग इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट. इट हैज टाइनी बम्प्स ऑन इट्स सरफेस. दीज आर टेस्ट बड्स. The taste buds have nerves that convey to the brain whether the food is sweet, sour, salty or bitter. So, बच्चों, इस यूनिट में हम सीखेंगे टंग और टीथ के बारे में. तो फर्स्ट वन है टंग. तो टंग कौन सा सेंस ऑर्गन है? टेस्ट पता करने के लिए. टंग से हमको टेस्ट पता चलता है. और टंग के ऊपर जो छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स आते हैं, छोटे छोटे बम्प है, उसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड. वो टेस्ट बर्ड की वजह से ही हमको मालूम पड़ता है कौन सा टेस्ट है, फूड का टेस्ट कौन सा है, स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है या बिटर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग सेंस डिफरेंट टेस्ट. द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स. टेस्ट बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट सॉल्टी एंड सॉर फूड्स रिस्पेक्टिवली. द टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ द टंग रिकॉग्नाइज बिटर टेस्ट. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कौन सा पार्ट, कौन सा टेस्ट बर्ड, कौन सा फूड पहचानते हैं, कौन सा टेस्ट पहचानते हैं. इधर लिखा है बिटर टेस्ट या सोर टेस्ट या सॉल्टी या स्वीट. ठीक है. Here you can see taste buds on our tongues. इधर हमको taste buds दिखाए और कौन सा taste bud, कौन सा taste पहचानते हैं उसका भी label लगाया हुआ है. Now let's see next. Our tongue also helps us to swallow the food. It also helps us to speak. Aditi is doing the following activities at home to see what the tongue does. हमको टंग कैसे हेल्प करती है, बोलने में भी हमको टंग की ज़रूरत होती है. तो ये अदिति है, टंग कैसे यूज़ होती है उसका वो एक्सपेरिमेंट करती है घर पे. देखो, बातें करने में या खाने में या क्या बोलते हैं, लिकिंग में, आइसक्रीम खाने में, तो वो टंग का एक्सपेरिमेंट करती है. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Now teeth. Our teeth helps us to chew food properly. Food can be chewed well only when we have healthy teeth. Teeth also help us to speak clearly. Our smile looks good when we have clean and white teeth. Teeth give shape to our mouth. That is why an old person with no teeth has sunken cheeks. Look into a newborn baby's mouth. How many teeth are there in infant's mouth? आप लोग देखो, हमारे टीथ हेल्दी होंगे तभी हम अच्छे से चबा पाएंगे या फिर हमारी स्माइल अच्छी लगेगी. तो हमको टीथ की केयर करनी चाहिए. और जब मुंह में टीथ नहीं होते तो जो ओल्डन पर्सन होता है, कोई ओल्ड पर्सन होता है, उसका आप देखो, उसके मुंह के अंदर टीथ नहीं है तो उसका फेस कैसा लगता है. और ये टीथ है हमारे फेस को शेप देता है. ठीक है. यू कैन सी न्यू बेबीज माउथ, उसके मुंह में कितने दांत होते हैं. नाउ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. अ ह्यूमन बेबी कम्स विथ नो टीथ. द टीथ इन अ बेबीज माउथ स्टार्ट टू कम एट द एज ऑफ 5 or 6 months. A child has 20 teeth by the time he or she is 6 years old. जब बच्चे small होते हैं तब उसके मुँह में कोई teeth नहीं होते, लेकिन उसका teeth कब से आता है, 5 or 6 months का होता है तभी से. और 20 teeth उसके मुँह में होते हैं 6 or 5, 6 year old होते तब तक. These teeth are called milk teeth. These milk teeth, also called temporary teeth, begin to fall at the age of 6 years and continue till the age of 12. तो ये जो 6 year की एज तक जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ. और वो टेम्पररी भी होते हैं, वो गिर जाते हैं 12 की एज तक और फिर से नया आते हैं. By the age of 12, a child has 28 teeth. These are permanent teeth by the age of 21.
4 more teeth appear, so an adult has 32 teeth. Now let's see next kinds of teeth. तो टीथ की डिफरेंट टाइप होती है, कैसी होती है चलो देखते हैं. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ. दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट यू कैन सी हियर टाइप्स, देन फंक्शन, देन नंबर. सो फर्स्ट वन इज इंसीजर, बाइटिंग फूड. कितने टीथ होते हैं? 8. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंसीजर्स. नाउ नेक्स्ट कैनिन्स, tearing food or taking a hard bite. This is number of 4. Canines, you can see the second pic, canines. Now premolars, cracking and crushing food. Number of premolars? 8. You can see the picture here, premolars. Now molars, crushing and grinding food. Last one is molars. Number of molars? 12. All our teeth work together to break food into little pieces that are easier for us to swallow and digest. Now, care of teeth. Teeth ki care kaise kare? Our teeth are very important for us. We use them to bite, tear and chew food. So, they have to be very healthy and strong. To keep them healthy and strong, we should take proper care of our teeth so that they do not decay or fall off. If a permanent tooth falls, it will not grow again. So children, we have to take care of our teeth so we can make our teeth healthy and strong. Now, let's see next. Children keep eating something throughout the day. A thin layer of food gets deposited on their teeth. If they do not rinse or clean their teeth after eating, the layer becomes thicker and their teeth begin to look yellow. This yellow layer is called plaque. The particles of food that stick to the teeth can cause germs called bacteria. The bacteria turns the layer of the food that is formed on our teeth every time we eat into acid. This acid causes tooth decay. It makes a hole in the tooth as a cavity. This causes toothache. To save yourself from the problem of tooth decay, you should have good brushing habits. देखो बच्चों, पूरे दिन खाते रहते, कोई भी टाइम हो किसी भी टाइम पे खाते रहते, और खाने के बाद जब अपना टीथ क्लीन नहीं करते, अपना मुंह क्लीन नहीं करते, तो उसके टीथ के ऊपर खाना चिपक रहता है, स्टिक रहता है, और उसकी वजह से उसके टीथ पर येलो लेयर बनता है, फिर जर्म्स आते हैं, फिर कैविटीज़ होती है और टूथेक का प्रॉब्लम रहता है. तो ये टूथेक से बचने के लिए आपको गुड ब्रशिंग हैबिट डालनी पड़ेगी. देखो ये बच्चे का, अ बॉय सफरिंग फ्रॉम टूथेक, उसके टीथ में पेन हो रहा है. देखो द राइट वे ऑफ ब्रशिंग, ब्रश कैसे करते हैं, तो ऐसे ब्रश टीथ को छूना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट गुड हैबिट्स. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट. दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह में और रात को सोने से पहले. रिंस योर माउथ आफ्टर ईच मील, स्पेशली आफ्टर ईटिंग स्वीट फूड स्टफ सच टॉफीज, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, केक्स, जैम एट्सेट्रा. मीठा खाने के बाद तो मुंह क्लीन करना ही चाहिए. ठीक है, अदरवाइज पूरा जब तक आप जितनी बार खाओ उतनी बार हमारा मुंह क्लीन करना चाहिए. Use a good toothbrush and replace it when it is worn out. Brush your teeth properly. Eat plenty of raw fruits and vegetables. They give good exercise to the teeth. Raw fruits or vegetables khana chahiye. Visit a dentist every 6 months. Now, let's see next. Now, see here, let's remember this point. Number 1. The tongue is a sense organ of taste. Number 2, different parts of the tongue sense different tastes. Number 3,
Our teeth help us to chew the food properly. Number 4. A child has 28 milk teeth and they begin to fall at the age of 6. Number 5. An adult has 32 permanent teeth. Now, thank you children. We will meet in next lecture. Till then, keep learning, keep growing. Bye. Oh, 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 oh